अक्सर 17 से 18 हज़ार फीट की ऊंचाई पर उगने वाले दुर्लभ मखमली घास के मैदान, जिन्हें बुग्याल भी कहा जाता है, केदारनाथ पुलिस की मेहनत से अब केदारपुरी में भी दिखने को मिलेंगे। 4 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद प्रयोग के तौर पर ये बुग्याल अब केदारपुरी की शोभा बढ़ा रहे हैं। दरअसल यहाँ 11.5 हज़ार फीट की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ में वर्ष 2013 की जल त्रासदी से जन व धन की हानि तो हुई थी, लेकिन यहाँ की प्राकृतिक संपदा को भी भारी नुकसान पहुँचा था। यहाँ की बुग्याल पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे। यहाँ केदारनाथ पुलिस ने पहले तो धाम में ब्रह्म वाटिका में ब्रह्म कमल उगाकर हर किसी को हैरान कर दिया था, और अब अति उच्च हिमालयी क्षेत्रों में उगने वाली मखमली घास को यहाँ उगाकर साबित कर दिया है कि मेहनत से सब कुछ संभव है। 8 मीटर चौड़ी व 10 मीटर लंबी इस वाटिका में सुंदर बुग्याल देखने को देश विदेशों से पर्यटक पहुँच रहे हैं। सब बुग्याल हमारे वहाँ ब्रह्म वाटिका के बगल में बनाया गया, जिसके लिए हमने मई में यहाँ पर कोशिश कर दी थी, क्योंकि कई सारे लोग यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया से आ रहे थे जो ब्रह्म वाटिका में ब्रह्म कमल देखने के लिए आते थे। तो काफ़ी सारे लोगों ने पूछा कि इतनी हाइट में तो बुग्याल भी होता है, तो बुग्याल कैसा होता है? तो हमने बताया कि इन पहाड़ों की चोटी की तरफ इशारा करके, इन पहाड़ों की चोटी से पीछे की तरफ आप जाएंगे तो ऐसा आपको बुग्याल मिलेगा। ये श्री केदार पुलिस द्वारा जो ये काम किया गया बुग्याल का, जो यहाँ से 18 हज़ार के इससे भी ऊपर की हाइट में होती है, उसको ये लगभग 12-13 हज़ार की फीट पर लेके आए हैं। ये बहुत सराहनीय प्रयास है, और धीरे धीरे अगर ये इसमें काम करते रहेंगे, हम लोग हैं और जो भी हैं, तो एक हाथ लगभग लगभग 10 हज़ार फीट तक जाके एक बुग्याल दोबारा से नया बुग्याल बनने की कोशिश हो गया। प्राकृतिक सौंदर्य जो यहाँ से जो है 4-5 किलोमीटर ऊपर ऐसा दिखाई देता है, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसलिए यहाँ पर केदारनाथ पुलिस विभाग के द्वारा हुआ है, जो कि प्रशंसनीय है, देखने योग्य है। इनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसे महान व्यक्ति का होना यहाँ पर बहुत ही सुशोभित है। पहली बार बाबा केदारनाथ के दर्शन करने आज पहुँचा यहाँ पर, और रास्ते में मैंने देखा तो यहाँ पर लिखा हुआ था कि ब्रह्म वाटिका। तो मैंने जब पता किया तो यहाँ पर पता लगा कि नंदी बेस कैंप पे लगी हुई है। और फिर जब मैं अंदर आया तो मैं पाठक जी से मिला, बीसी पाठक जी से मिला, इनकी पूरी टीम यहाँ पर है। जिस तरीके से मैं यहाँ पर आया, मैंने ब्रह्म कमल के पौधे देखे, जो कि मेरे को बिल्कुल नामुमकिन लग रहा था। मैं ग्लेशियर्स भी घूमा हूँ, पर इतनी छोटी सी जगह में 50 ब्रह्म कमल आना, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये मेहनत है यहाँ की पुलिस की, और ये आशीर्वाद है बाबा केदारनाथ का। उत्तराखंड की केदारनाथ में जो पुलिस टीम ने जो बुग्याली घास उगाने का यहाँ पर जो प्रयास किया है, और जो बहुत अच्छी तरह यहाँ पर उग रही है, उसके लिए मैं बहुत ही सराहनीय वर्क उन्होंने किया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, हेल उत्तराखंड न्यूज, रुद्रप्रयाग।